प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बी आर जे अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, मैं सुनील और आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा परिमेय संख्याओं का घटाव, जो 6, 7, 7, 8 के लिए भी जरूरी है। ये क्लास 8 का है लेकिन 7 में भी है, दोनों लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जब हर बराबर हो। जैसे मान लीजिए 5/8 है ना, माइनस 1/8, ठीक है। जब हर बराबर हो तब कैसे घटाएंगे पहले ये देखिए, फिर हर बराबर नहीं हो तब कैसे करेंगे ये देखेंगे। हर बराबर है ना, तो जरा देखिए दोनों हर बराबर है। हर बराबर होता है तो क्या करते हैं, अंश को केवल सॉल्व करते हैं ना, हर को वैसे ही लिख लेते हैं ना, केवल एक लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का जब लॉसो लेंगे 8 और 8 का तो 908 ही तो आएगा, ठीक है ना, इसीलिए केवल एक बार लिखते हैं और हर अंश को हल करेंगे, यानी 5 में से घटा लेंगे, यानी 5 में से घटा के लिख देंगे कितना आएगा 4, और नीचे क्या है 8। ये कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट गए तो यही आंसर ना, लेकिन ये कट रहा है 4 से कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और देखिए, इसी में जैसे मान लीजिए ऐसे भी आ जाता है सवाल, दे देगा 2 = 1/3 − 1 = 1/3, ठीक है, दोनों का हर बराबर ही है। ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। पहले इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे तो इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ लेंगे, 2 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो द्वितीय 6 × 1 = 7, 7/3, फिर माइनस 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 4/3। क्लियर है इतना। अब हर बराबर है तो अंश को घटा लेंगे, तो अंश को घटा लीजिए, घटा लिए कितना आएगा 3 / 3, इसको कट रहा है तो काट देंगे, क्या आंसर आएगा 1। क्लियर है। चलिए इसी पे एक और सवाल देखते हैं। कभी कभी ये विषम भिन्न में दे देता है, मान लीजिए 11/2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 9/2, चलिए इसको 9 मत लिखिए, कुछ और लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, ठीक है ना। आइए हर बराबर है अंश को घटा लेंगे, तो 11 − 3/2 ये घटाएंगे कितना आएगा 8/2, कट जाएगा 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, आंसर आएगा 4। क्लियर है। तो तीन तरह का सवाल आप देख लिए जब हर बराबर होता है तब। अब हम करेंगे जब हर बराबर न हो तब कैसे करें ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। जब हर बराबर नहीं हो तब हम सवाल को कैसे करेंगे ना, चलिए देखते हैं इसको और मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए सवाल यहाँ पर दिया है 3/4 ना माइनस 1/2, दोनों का हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे जोड़ में करते थे वैसे इसमें भी करेंगे, बस फर्क इतना है कि इसमें घटाएंगे उसमें जोड़ते थे ना। तो जरा देखिए 4 और 2 का लॉसो निकालेंगे, पहले क्यों निकालेंगे, हर बराबर करने के लिए ना, तो हर बराबर करने के लिए लॉसो निकालेंगे, कितना आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, फिर 2 से कटेगा 1 1। क्लियर है ना। अब 2 × 2 लॉसो कितना आएगा, लॉसो बराबर 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4, जो लॉसो आएगा वही लिखेंगे नीचे, फिर पहले भिन्न का अंश लिखेंगे 3 × 4 से भाग करेंगे 4 में, क्या आएगा 1, यहाँ पर लिखिए 1, फिर माइनस दूसरे भिन्न का अंश 1 × और इसके हर से भाग देंगे इस 4 में, जाएगा 2 × 2। क्लियर है। 3 × 3 और माइनस 2 × 2/4 ये घट जाएगा, तो 1/4 और ये हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी पे एक टाइप और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया 1/5 − 1/3 ना, मिश्र भिन्न में दे दिया, तब क्या करेंगे,
पाँच एक करने पाँच, इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ेंगे, पाँच करने पाँच एक छः बट्टा पाँच, पर इसको विषम भिन्न में चेंज कर रहे हैं ना, तीन करने तीन एक चार बट्टा तीन। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे ना, पाँच और तीन का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा पंद्रह। ठीक है, लॉसो कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ, चलिए एक बार और देख लीजिए। पाँच और तीन का लॉसो निकालेंगे, पहले दो से कटेगा ना, तीन से काटेंगे, ये नहीं कटेगा इसको वैसे लिखेंगे, ये कट जाएगा एक, फिर पाँच से काटेंगे ये भी कट गया एक एक, लॉसो कितना आ गया, गुणा करेंगे तो लॉसो बराबर पंद्रह, क्या पर लिखिए पंद्रह। ठीक है, फिर पहले भी निकाल छः गुणे पाँच से भाग दीजिए, इसके हर से भाग दीजिए पंद्रह में, कितना आएगा तीन, फिर माइनस चार गुणे तीन से भाग करिए पाँच आएगा, फिर बराबर छ त्री अट्ठारह माइनस बीस बट्टे पंद्रह, अठारह में से बीस घटाएंगे नहीं घटेगा ना, तो बीस में से अठारह को घटा लीजिए, कितना आएगा दो बट्टे पंद्रह, और दोनों में जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा दीजिए, बड़ा ये है माइनस का चिन्ह है माइनस तीन। और ऐसे नहीं समझ में तो ऐसे समझिए, बीस रुपये खर्चा थे और अठारह रुपया आप उसको वापस कर दिए, तो कितना कर्जा रह जाएगा दो रुपया ना, और कर्जा किस में होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ठीक कितना हो जाएगा माइनस, ये हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए इस पर अब हमने देख लिया दो दो भिन्न का ना, अब देखेंगे हम तीन भिन्न हो, तब तीन भिन्न हो तो कैसे करेंगे ना, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एक बट्टा दो, ठीक है, माइनस तीन बट्टा दो माइनस पाँच बट्टा दो, हर बराबर है ना, तीन भिन्न है हर बराबर हो तो क्या करते हैं, अंश को केवल हल करते हैं, तो नीचे लिखेंगे दो बड़ी लाइन खींचेंगे और अंश को जोड़ लेंगे, एक माइनस तीन माइनस पाँच, और घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे ना। चलिए माइनस माइनस एक साथ जोड़ेंगे, एक वैसे ही देंगे, पाँच रुपये खर्चा था तीन रुपये और खर्चा ले लिया, तो कितना खर्चा आठ रुपया खर्चा बट्टे दो बराबर आठ, एक में साठ घटाएंगे नहीं घटेगा, उल्टा घटाइए आठ में से गया सात, यानी आठ रुपये कर्जा था एक रुपया वापस कर दिया तो कितना कर्जा सात रुपये कर्जा, कर्जा माइनस में होता है बट्टे दो, ये हमारा आंसर है ना। आप चाहें तो इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सात में भाग करेंगे दो से, कितनी बच जाएगा तीन बार छः हो जाएगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, ये हमारा पूर्णांक है, यानी तीन पूर्णांक एक बट्टा दो, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। चलिए ये तो था जब हर बराबर है तीन भिन्न है, अब करेंगे जब तीन भिन्न हो और हर बराबर नहीं हो तब कैसे करेंगे ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे ग्यारह बट्टे पंद्रह माइनस, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है सत्रह बट्टे बीस माइनस, और यहाँ पे दे दिया है एक बट्टे पाँच, क्लियर। अब ज़रा देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हर बराबर नहीं तो पहले हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं लॉसो लेते हैं, तो पंद्रह बीस और पाँच का लॉसो लीजिए, दो से काटेंगे पहले ये नहीं काटेगा तो ऐसे रहने देंगे, ये कट जाएगा दस, दस बार में कटेगा ना, इसको काटेंगे इसको वैसे रहने देंगे क्योंकि ये कटेगा नहीं, फिर दो से काटिएगा ये पंद्रह, ये कितना हो जाएगा पाँच, ये भी पाँच, फिर किससे काटेंगे तीन से, तीन पच्चे पंद्रह और ये पाँच और ये भी पाँच, फिर किससे काटेंगे पाँच से, एक एक एक, कब तक काटते हैं जब तक एक ना आ जाए ना, और लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो बराबर दो दूना चार तीन आई बारह पच्चीस साठ, साठ लॉस हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आप साठ, क्लियर है। अब क्या करेंगे, पहले भिन्न का अंश लिखेंगे ग्यारह गुणे पंद्रह से इसमें भाग करेंगे कितना आएगा चार, चार का इसमें गुणा कर दीजिए, फिर माइनस सत्रह गुणे बीस से इसमें भाग करिए कितना आएगा तीन,
तीन का गुणा कर दीजिए, फिर माइनस एक गुणे पाँच से बाग करिए, इसमें कितना आएगा बारह, बारह का गुणा कर दीजिए, ग्यारह का गुणा चार में करेंगे कितना आएगा चौवालीस, माइनस सत्रह का गुणा तीन में करेंगे कितना आएगा इक्यावन, माइनस बारह का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा बारह, अब बट्टे साठ। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि अकाउंट पे कर्जा था बारह रुपया और कर्जा लिया, कितना कर्जा हुआ तीसठ रुपया ना, तो कर्जा हमेशा माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, जब जोड़ने वाला हो तो ठीक है। चलिए तो ये चौवालीस माइनस कितना तिरसठ बट्टे साठ। क्लियर है इतना? अब चौवालीस में से साठ घटाएंगे, नहीं घटेगा तो उल्टा घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए ना, तो तीन में से चार घटाएंगे नहीं घटेगा, इसे कैरी लेंगे तेरह हो जाएगा, तेरह में से चार गया नौ, यहाँ क्या बचा पाँच, पाँच में से चार गया एक बट्टे साठ, चिन्ह किसका लगाएंगे तिरसठ का, ये बड़ा है तो इसके लगाइए माइनस, ये हो गया आंसर। क्लियर है? नहीं तो फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, तिरसठ रुपया कर्जा था, चौवालीस रुपये वापस कर दिया, तो कितना कर्जा रहेगा उन्नीस रुपया कर्जा रहेगा, कर्जा माइनस में होता है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया इतनी बात? चलिए एक सवाल और इसका देखेंगे, उसके बाद इसको इसी पे फिर इसका अगला पार्ट देखेंगे ना, प्रश्नावली इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए एक सवाल और देखिए, जैसे मिश्र भिन्न में मान लीजिए दिया है मान लीजिए दो सही एक बट्टा दो माइनस, फिर दिया है पंद्रह बट्टा अट्ठारह, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे दिया है एक सही दो बट्टा तीन ना, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले तो इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे, दो दूना के चार एक पाँच बट्टा दो माइनस पंद्रह बट्टा अट्ठारह, फिर माइनस दो एक तीन, तीन का गुणा इसमें करेंगे दो जोड़ेंगे तीन का तीन दो पाँच बट्टा तीन। अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, हर बराबर नहीं है तो इसको इसका लॉसो लेंगे, देखिए लॉसो दो से काटिए, दो कर दो नौ अट्ठारह तीन, दो से कटने वाला है नहीं, तीन से कर दीजिए, तीन करने तीन, तीन तीन का नौ, तीन करने तीन, फिर तीन से काटेंगे एक 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 तीन एक आ गया तो कितना हो गया तीन दो तीन छत्तीस अट्ठारह, हमारा लॉसो आ गया अट्ठारह, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही कहानी है, पाँच गुड़े दो से इसमें बात करेंगे नौ माइनस पंद्रह गुड़े अट्ठारह से इसमें बात करेंगे एक माइनस पाँच गुड़े तीन से इसमें बात करेंगे कितना आएगा छः आएगा, तीन छः के अठारह छः का गुणा कर देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, पाँच का गुणा करेंगे नौ पच्चीस पैंतालीस माइनस पंद्रह माइनस छः पच्चे तीस बट्टे अट्ठारह। क्लियर है? अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और हर वाले को एक साथ, सॉरी हर को जोड़ते नहीं है, प्लस वाले को एक साथ, तो पैंतालीस इस पैंतालीस को वैसे रह दीजिए, इसको जोड़िए, पंद्रह रुपया कर्जा था तीस रुपया और कर्जा लिया, कितना कर्जा पैंतालीस रुपये कर्जा, कर्जा माइनस में होता है, क्लियर, बट्टे अट्ठारह, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा जीरो आ जाएगा, जीरो बट्टे अट्ठारह, जीरो में अठारह का भाग देंगे तो आंसर जीरो। समझ में आया? चलिए तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो तीसरा देखिए, तीन बार देखिए, नहीं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब हम पर्सनालिटी के कुछ सवाल करेंगे अगले पार्ट में, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।